प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने moneycontrol.com को अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया। पीएम मोदी ने विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था G20 शिखर सम्मेलन के उद्देश्य और भारत के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने पर साझा किए अपने विचार।2014 में मोदी को कोई नहीं जानता था, फिर भी वो भारी बहुमत से जीते। 10 साल में लोग हर क्षेत्र में मोदी का काम देख रहे हैं। चंद्रयान मिशन हो या मेरा अमेरिका दौरा, कहा कोई संदेह नहीं है कि लोग फिर से सही चुनाव करेंगे। भारत दुनिया में बन गई है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इस सरकार पर लोगों को है पूरा भरोसा, सरकार को भी लोगों की क्षमताओं पर है भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा, मेरा मिशन अपने देश और अपने लोगों के विकास के लिए काम करना है, इससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोरोना काल में था बहुत दबाव, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक नोट छापे, मैंने पैसा कोविड प्रबंधन में लगाया, यही कारण है कि मुद्रास्फीति आज भारत में उतनी चिंता का विषय नहीं है जितनी दुनिया के बाकी हिस्सों में। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने moneycontrol.com पर पीएम के साक्षात्कार का किया स्वागत, कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने जबरदस्त आर्थिक विकास हासिल किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में दी प्रतिक्रिया, G20 में जिनपिंग और पुतिन के न आने पर एस जयशंकर ने कहा, G20 में अलग अलग समय पर कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने किसी वजह से न आने का किया है फैसला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांगड़ा दौरे में बदलाव, जयसिंहपुर के बाद जाएंगे पालमपुर, आपदा प्रभावित क्षेत्रों और पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। हमीरपुर में 2 दिवसीय दौरे में आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा, 70 आपदा प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। बीजेपी एमएलए विनोद कुमार पर हुई एफआईआर का बीजेपी ने जताया विरोध, मामले को विधानसभा में उठाया कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। नूरपुर के श्री ब्रजराज स्वामी मंदिर में राज्य स्तरीय कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव शोभा यात्रा से शुरू हुई अनुष्ठानों की शुरुआत, पूरी दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां कृष्ण के साथ मीरा की मूर्ति विराजमान। Presented by एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। स्वागत है आपका न्यूज देखें जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में, मैं हूं विशाल। पीएम मोदी ने पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू moneycontrol.com को दिया है। G20 से पहले यह सबसे बड़ा इंटरव्यू है जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए देश में कई कदम उठाए गए हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वैश्विक गतिशीलता के बावजूद भारत की मुद्रास्फीति 2022 में वैश्विक औसत मुद्रास्फीति दर से 2% अंक कम रही, फिर भी हम इतने पर ही आराम नहीं कर रहे हैं और जीवन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन समर्थक निर्णय लेना जारी रख रहे हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में रक्षाबंधन पर कैसे सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए LPG की कीमतें कम की। बता दें पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की है। तो पीएम का पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सबका विश्वास सबका प्रयास का मंत्र, वैश्विक समस्याओं का समाधान जरूरी, समाधान की हर कोशिश में भारत साथ, दुनिया में भारत की अहम भूमिका, G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है, देश के युवा भारत की ताकत, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में कहा है।
moneycontrol.com से खास इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति दुनिया के लिए भी अच्छी रही है। G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है। सबका साथ सबका विकास हमारा सिद्धांत रहा है। और moneycontrol.com से खास इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संबंधों का भी मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, परंपराओं से आगे बढ़ा है भारत। और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने moneycontrol.com पर प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने जबरदस्त आर्थिक विकास हासिल किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता हैं, उनसे मैं बात करूंगा इस पर इंटरव्यू पे। सर, न्यूज 18 से उन्होंने नेटवर्क 18 से बात की है और moneycontrol.com जो हमारा एक हिस्सा है उसको उन्होंने बात किया, डिजिटल ग्रुप है, तो उसके साथ बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कई बातों को छुआ। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आपसे, उन्होंने एक बात कही है कि G20 की जो मीटिंग होने वाली है इस यहाँ पे, उसकी प्रेजेंसी हम कर रहे हैं, लेकिन भारत आज पूरे विश्व की बात कर रहा है। हम 140 लोगों की बात भी कर रहे हैं लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास सबका जो चीजें हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं हम, किस तरह से इस चीज को देखिए, इसमें हम खुद समझ सकते हैं। पिछले लगभग 2-2.5 वर्ष पहले जब कोरोना काल आया था, भारत ने केवल अपना नहीं सोचा, पूरे विश्व को 69 कंट्रीज को जो उस वक्त समय की जरूरत थी वैक्सीनेशन के लिए, वहां पर फ्री वैक्सीन दी। नंबर एक। नंबर दो, यूक्रेन रशिया का युद्ध होता है तो भारत उसके लिए चिंतित होता है, तो उनसे बैठ करके काफी प्रयास किया गया और विश्व की नजर भी भारत पर रहती है। और खास करके सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और विश्वास की जो बात कही है, एक उसका कारण यह भी है कि आज समाज में जो भी सरकारी स्कीम है, पहली सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस की वो तुष्टीकरण की नीति को लेकर के पर्टिकुलर किसी समाज के लिए काम करती थी, आज जो भी सरकारी स्कीम्स हैं वो सबके लिए हैं, उसमें हिंदू मुसलमान ईसाई क्रिश्चियन सिख कुछ नहीं देखा जाता है, वो सभी के लिए हैं। अगर कोई मकान बनाने की स्कीम है, किसी ई श्रम कार्ड की स्कीम है, वो सभी के लिए ये बात है। और दूसरा, भारत ने इस कारण से हमारी जो इकॉनमी है वो भी बढ़ रही है, हमने उसको भी कंट्रोल रखा, उसी के कारण से पूरे विश्व को हम पर विश्वास बना है। इन सभी चीजों को देखते हुए कारण ये इसका रहा कि पहले सरकारें आती थी, मिले जुले गठबंधन आते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, लूट मची थी, जो सोचता था वो आ गया, लेकिन स्टेबिलिटी जो विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है और पूरे बहुमत के साथ दी है, उसी का परिणाम है कि सही निर्णय लेने में हम सक्षम रहे, और प्रधानमंत्री ने इस बात को उजागर किया है। पहले उन्होंने जो G20 की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त सिर्फ डेवलप्ड नेशंस की नहीं बात कर रहे हैं, हम उन देशों की भी बात कर रहे हैं, हम उन लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं जो डेवलपिंग है, जो गरीब है, जो जिनको सुविधाएं नहीं है, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। और हमारा नजरिया जो है, आपको क्या लगता है, ये ही सोच लेकर जो वो आगे चले हैं, इसी से आपको लगता है कि आज पूरे विश्व भारत की तरफ देख रहा है? देखिए, भारत का ये जो मूल मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। कोई भी अगर देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरे देशों पर भी उसका इफेक्ट रहता है। भारत एक बड़ा बाजार है, कहीं आज रशिया यूक्रेन
अगर युद्ध हुआ है तो जो तेल की बाजार था वो खत्म हुआ, तो उस पर भारत पर भी असर है। इसलिए शांति व्यवस्था बनाना, सब चीजें करना, और खास करके जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, इस पर भी चिंता रहनी चाहिए। चाहे वो रक्षा का हो, आर्थिक विषय हो, दूसरे विषय हो, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए विश्व को एक होकर के चलना चाहिए। G20 में ये मैसेज देने का उन्होंने प्रयास किया। एक बार उन्होंने कहा महंगाई पे उन्होंने कहा कि हम पूरा कोशिश कर रहे हैं चेक करने की महंगाई को, और हमने अभी जो रक्षाबंधन में 200 जो रुपया है एक सिलेंडर का कम कर दिया। हमारी कोशिश है कि इन्फ्लेशन पे, और ये उस वक्त भी बयान आया जबकि अपोजिशन पार्टी घेरती है हमेशा, ये कहती है कि महंगाई बहुत हो गई। तो आपको लगता है कि सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है? देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान हम अगर कहें तो जो गैस की सप्लाई थी वो 3 गुना बढ़ गई थी, लेकिन भारत ने वो जो 2200 रुपये हमें कास्ट कर रहा था उसको 1100 रुपये में लाने का जो प्रयास किया है। अपोजिशन को इस चीज को भी समझना चाहिए हमने किस प्रकार से सारी चीजें कंट्रोल की हैं, और पास से पैसे लाकर सरकार में सब्सिडी के रूप में उनको दिया है। आज जब थोड़ी व्यवस्था सुधरी है तो स्वाभाविक बात है कि 200 रुपया उसमें कम किया है। इन सभी विषयों को अपोजिशन को देश हित में बात करनी चाहिए, ना कि इस प्रकार की जो मैसेज जाता है उससे गलत जाता है। इसलिए देश विकास की ओर बढ़ रहा है, यह नजर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, उसके साथ बाकी सभी चीजें जुड़ी हैं। तो इन्फ्लेशन, महंगाई समय के अनुसार उसको कम भी किया जाता है, वक्त के अनुसार कुछ चीजें बढ़ती भी। उन्होंने एक चीज को और छुआ है, उन्होंने कहा कि हमारी ग्रोथ जो है वो क्लीन है, ग्रीन है। हमारी जो ग्रोथ है वो एक एग्जाम्पलरी ग्रोथ है, वो दूसरों को वो एक स्टेबल ग्रोथ है, और हम ये ग्रोथ जो इकोनॉमी ग्रोथ कर रहे हैं वो एक क्लीन ग्रोथ है, उसमें कोई भी आप दूसरी चीज नहीं देखेगी जो इलीगल हो या गलत हो। देखिए, हमने बड़ा सोच समझ कर सारा काम किया है। हालांकि कोरोना काल के दौरान हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया, सभी ने निकालना शुरू कर दिया, लेकिन भारत ने इससे आपदा से अवसर, इस चीज को देख करके उसमें से भी लोगों को काम दिया। वर्क फ्रॉम होम के कारण से सभी उसके साथ जुड़े रहे, लेकिन हमने अपनी इकॉनमी को गिरने नहीं दिया। इस दौरान भी हमारी इकॉनमी बढ़ती रही। इन सभी विषयों को हम लें तो भारत की ओर पूरा विश्व देख रहा है, और G20 से पहले ये मैसेज देने का जो प्रयास किया गया है पूरा विश्व इसके बारे में जाने तमने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया, इस पर NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कहना है ये देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेटवर्क 18 के moneycontrol.com को एक इंटरव्यू दिया है, और उसमें कई चीजों को उन्होंने छुआ है, ज्यादातर इकोनॉमी की बात की है। इस पर बहुत सारे रिएक्शंस आई है। मेरे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता। गुप्ता साहब, न्यूज 18 से बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है नेटवर्क 18 के moneycontrol.com को, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को G20 इन्फ्लेशन और बाकी स्टेबिलिटी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर बात की है। देखिए, पहले तो बात देखनी है हमने अपने इंडिया की, हिंदुस्तान की, कि हमने कितना विकास किया है, हम कहां तक पहुंचे हैं, कहां से चले थे और कहां पहुंचे हैं। इन्फ्लेशन की बात देखिए, गरीबों पर डिपेंड करता है। सिलेंडर जिसकी कीमत आज आप कह रहे हैं कि 200 रुपया हमने कम की, चढ़ाई कैसे आपने, किस ढंग से आपने चढ़ाई, और 1200 के करीब यहां रुपए पे एक सिलेंडर बिका, यहां आप अंदाजा लगाइए गरीब आदमी देगा कहां से। आप कहते हैं कि हमने सबको विश्वास में लिया, सबका साथ लिया है। अगर साथ लिया तो आज हिंदुस्तान की ये हालत नहीं होती। आप अंदाजा लगाइए, अभी पिछले दिनों में आप इसकी टमाटर की कीमत देखिए, 200 रुपया केजी। हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि टमाटर 200 रुपया केजी बिका। सब्जियों की ये हालत है और बाकी चीजों की हालत जो है वो आपके सामने है। इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां इन्फ्लेशन इतनी चढ़ी हुई है, गरीब लोग क्या करेंगे। तो हमारा यही कहना है कि साहब, ये जो इकॉनमी की ये बता रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, हमें यही कहना है कि साहब, पहले 140 करोड़ लोगों की फिक्र कीजिए, किस परेशानी में वो जूझ रहे हैं, कैसे वो चल रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, पहले इसकी बात कीजिए।
इकॉनमी, आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो आपकी अगर गुरु की बात होती तो आज ये G20 की आपकी होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है 7, 8, 9, 10 को हो रही है, तो आपके रशिया के प्रेसिडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, या आपके चाइना के प्रेसिडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर दो वो हस्तियां हैं तो पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं, तो वो दो तो आ नहीं रहे हैं। हमारा कहना यही कि साहब ये जो ग्रीन और ये जो क्लीन की आप बात कर रहे हैं, ग्रीन और क्लीन कितना है वो आपको आपके सामने है। हम समझते हैं कि आप हिंदुस्तान को आगे अगर ले जाना है तो 140 करोड़ आवाम का विश्वास को जीतिए पहले, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। गरीबों की बात सुनिए आप, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, News 18 जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया है, कांग्रेस का इस पर क्या रद्दअमल रहा है ये जानना भी जरूरी है, देखते हैं। हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर अरविंद शर्मा है। अरविंद जी, मनी कंट्रोल को दिए अपने पहले बड़े एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने यह कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर हम कायम हैं, तभी देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये तो देश और दुनिया देखती है कि कितना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हो रहा है, क्योंकि देश में नफरत का माहौल और विभाजन की राजनीति चरम सीमा पे है, और जिसका कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो है लोगों को जोड़ने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो इंडिया गठबंधन बना है वो भिन्नताओं को रिप्रेजेंट करता है। देश की 28 पार्टियां जो है वो एक मंच पे इसलिए इकट्ठी हुई हैं कि देश में विभाजन और नफरत की राजनीति से तंग आकर के, जिससे देश को और संविधान को खतरा है, इसलिए भी आई है कि एक मकसद सबसे बड़ा ये है कि नफरत से देश का विभाजन हो रहा है, देश में अंदर जो है डिवीजन हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है कि डिवाइड एंड रूल, पोलराइज एंड रूल, और वो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान है। आज तक देश में इस तरह की नफरत का माहौल नहीं था जो इस 9 साल में देखा गया, और जिस तरह के भाषण संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मंत्री और प्रधानमंत्री जी खुद भी और मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान देते हैं, मेरे ख्याल से ना तो संविधान इजाजत देता है इस चीज की, ना कानून देता है, और ना ही देश की मर्यादाएं देती हैं, लेकिन फिर भी कानूनी कार्रवाई कोई नहीं होती, पिक एंड चूज पे होता है। और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में जो है वो लोगों का विश्वास था, लेकिन लोकतंत्र रहा कहाँ? आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते, यहाँ टोल प्लाजा पे ही बात कर लो कि 6 दिन वो नौजवान जो है जेलों में बंद रहे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वही टोल प्लाजा जिसको बीजेपी ने तोड़ा था उसको उठाने की मांग की, जो गडकरी जी ने संसद में कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर गलत है, नाजायज। सर, इसके साथ साथ जो समूचे विश्व में, ना बल्कि देश में, समूचे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजा है, ना केवल क्योंकि पीएम मोदी का ये भी कहना है कि हम पूरी दुनिया का ध्यान रखते हैं, ना केवल हिंदुस्तान। चलिए, ये देश की मर्यादाएं हैं, भारतवर्ष मैसेंजर ऑफ पीस है, जो महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू से जो मूवमेंट, जो भूमिकाएं बनी हैं उस पर देश चले, तो उससे देश का नारा बुलंद है। और ये 4 साल या 9 साल में देश जहां नहीं पहुंचा है, देश को जहां पहुंचे 75 साल लगे हैं, और देश में जब तक मोहब्बत है, देश में जब तक भाईचारा है, देश में जब तक भिन्नताओं को लेकर के चलने की क्षमता है, देश में डेमोक्रेसी है, उसका नाम है, और बाकी जो इकोनॉमिक और बाकी साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है देश के अंदर उसकी बुनियादें पंडित नेहरू ने ही रखी थी, तमाम संस्थान बनाए थे जिसका लाभ जो है वक्तन फवक्तन और आज देश और दुनिया को मिल रहा है, उसमें चलना चाहिए आगे। G20 की सफलता पे भी उन्होंने बात की है कि इसकी सफलता जो है ये न बल्कि अब दिल्ली तक सीमित है, बल्कि जो है ट्रेडिशन को तोड़ते हुए, परंपराओं को तोड़ते हुए इसको आगे बढ़ाया। देखिए, G20 का जितना देश के अंदर प्रचार करके वो बताना चाहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, तो G20 जो है वो समूह है 20 देशों का जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, और वो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी अपनी बात रखते हैं, इसलिए वो किसी एक नेता का बनाया हुआ नहीं है, एक देश का नहीं बनाया हुआ, बल्कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो कि कभी 120 देशों की संस्था थी उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता ने गठन करवाया था, ताकि हम एक कोल्ड जोन में, कोल्ड वार में जहां 2 खंडों में विश्व बटा था, तो हम किसी भी खंड के साथ खड़े होकर के पिसना नहीं चाहते थे। तो
उस तरह का नेतृत्व इस देश ने देखा है। इंदिरा गांधी रही हैं, लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, हर प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है, तो इसलिए G20 में जो भारत की भूमिका है उसको निभाना चाहिए, वो अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। उन्होंने कहा कि ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया moneycontrol.com को दिए गए साक्षात्कार का, उन्होंने जिक्र किया, उसे मेंशन किया। G20 की अध्यक्षता समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई कि उन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किया है। यह इंटरव्यू moneycontrol.com पर उपलब्ध है, साक्षात्कार moneycontrol.com पर पढ़ा जा सकता है। ये खुद वजीर आजम ने अपने हैंडल से इसे ट्वीट किया, इसे एक्स किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, moneycontrol.com को दिए गए साक्षात्कार का किया जिक्र, यानी moneycontrol.com को दिए गए इंटरव्यू का किया जिक्र, और इस अपने इस हैंडल से उन्होंने जो एक्स किया है, जो ट्वीट किया है मैसेज को, उसमें G20 की अध्यक्षता समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। यह इंटरव्यू moneycontrol.com पर उपलब्ध है, साक्षात्कार moneycontrol.com पर पढ़ा जा सकता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई, याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष, केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष, उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के दो ओवर ग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद, जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पर कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान, ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन, ढांगरी आतंकी हमले में दो बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट, केलानी सुरंग को दो लेन में किया जा रहा है। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है, न्यूज़ 18 जेके, इस पर आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। लद्दाख से इस वक्त एक बड़ी खबर है, बौद्ध लड़की के जबरन धर्मांतरण का मामला जो है ये एक प्रकाश पाया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का बंद का ऐलान, आज बंद का ऐलान, विरोध में निकाली जाएगी रैली, और ये मामला है एक लड़की के धर्मांतरण का। और ये खबर के मुताबिक लड़की के जबरन धर्मांतरण का ये मामला है, लद्दाख से बड़ी खबर है, बौद्ध लड़की के जबरन धर्मांतरण का मामला, जो खबर है उसके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक एक लड़की जो बौद्ध धर्म से बिलोंग करती है उसके धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का आज बंद का ऐलान है, इसी खबर को लेकर, इसी घटना को लेकर आज लद्दाख बंद का ऐलान, विरोध में निकाली जाएगी रैली। तो एक लड़की जिसके बारे में खबर यह है, रिपोर्ट यह है कि वह बौद्ध धर्म से थी और उसके धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, और वो भी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसके जबरन धर्मांतरण का मामला है, और इसको लेकर आज एक विरोध जो है उसका प्रदर्शन हो रहा है। धर्मांतरण का मामला, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने इसको लेकर बंद का ऐलान किया है, आज लद्दाख बंद का ऐलान है, विरोध में एक रैली भी निकाली जाएगी। मोरूफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, मोरूफ लाइव हमारे साथ हैं। जी मोरूफ, मैं जानना चाहूंगा कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या, और ये मामला क्या इतना बड़ा है कि इसको लेकर जो है बंद की कॉल दी गई है। जी जी विशाल, इस वक्त में जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के ऑफिस के बाहर है, अभी कुछ समय के बाद यहाँ से रैली शुरू होगा, और ये प्रोटेस्ट रैली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बुद्धिस्ट गर्ल एक जबरन जो मुस्लिम बॉय के साथ भाग गया, तो उसको जबरन ले गया, तो इसके लिए जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आज पूरा लद्दाख बंद का ऐलान किया गया है। अभी कुछ ही थोड़ी देर में यहाँ से पूरा रैली निकला जाएगा LBA के ऑफिस से लेके पोलो ग्राउंड तक। हमारे साथ कुछ LBA के मेम्बरान हैं जो वुमेन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, आज के बंद के बारे में बताएंगे, LBA ने आज बंद का ऐलान किया।
जिलेंगे लास ना जिचे से जुक चेंटेन दी बान बोखरां चोचे स्पोखरां गता आपो मोजिक दे जाका का शोर्टे नो को जो मुस्लिम लोग ते खेते नो ते नेंगा जो तीन तोचे से तोन तक बोखरां योंचे शाने पियां आज ये जुक शी खादा जिगिन ले योंचे शाने पोमो गुनी पिया चिंचा लाइजु शी छा मागो साला ले चिनांग थुंदेल जी लूज गो चिंचा दे पिया ले मता आज ची पा नांग पा यांग का जुक शी छोजु गा तेन कान जिगिन नांगा लांगा जा नांगा पो एग्रीमेंट जी सों क्या ले मता इजुक शी गता रंग रंग छिपे पोमो छिपा किरिन नांग पे पोमो नांग पा किरिन हिंदी पोमो हिंदू किरिन कानवन जन माने मिचो जते गता आज मैडम जी आप भी थोड़ा कुछ बताएंगे हिंदी में कि आज के बांध के बारे में। ये जो आज डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है ये एक इंसिडेंट हुआ है कन्वर्जन का, उसकी वजह से हो रहा है। अब जो चले गए उनके लिए उतना वो नहीं है, लेकिन जो आने वाले फ्यूचर के लिए थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कम्युनिटी के पीस को हम थोड़ा ध्यान में रखें, अपने सेल्फिश हैप्पीनेस को, सेल्फिश खुशी को ही ना ध्यान में रखें, ये भी सोचे कि हम खुद अपनी खुशी की वजह से पूरे कम्युनिटी को जला रहे हैं। अभी देखिए ना आप, एक दो लोगों की वजह से पूरा कम्युनिटी बंद है, लोगों का बिजनेस ठप है, तो ये थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सेल्फिश नेचर छोड़ के थोड़ा सा वाइडर कम्युनिटी के लिए सोचने का हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी विशाल, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से जो बंद आज किया जा रहा है, तो इनका ये कहना है कि जी ऐसे जो एक दो की वजह से पूरा लद्दाख की जो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब ना हो, इससे आगे ऐसा ना हो, इसलिए ये लोग बंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनका तीन डिमांड है, एक तो एंटी कन्वर्जन लॉ लाए जिसमें जो जिसमें इस पर पाबंदी लग सकते हैं, सेकेंडली जो 89 के बाद एक एग्रीमेंट बताया जा रहा है, एक एग्रीमेंट हुआ है बुद्धिस्ट और मुस्लिम के बीच में में आपने अपने मजहबी लोगों के साथ शादी करेंगे, ऐसे बाहर करेंगे तो फिर कम्युनल डिस्टर्ब हो जाएंगे ये, और साथ ही साथ जो 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 ऐसे वाक्य ना हो ये एलबीए मांग कर रहे। जी वैशाल, तो बंद का ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या बाजार भी पूरी तरह से बंद है या सिर्फ ये रैली के जितनी देर ये रैली होगी उतनी देर तक ये बंद रहेगा? जी विशाल, तो आज की जो बंद है उसको जो सारे मर्चेंट एसोसिएशन और लद्दाख गंपो एसोसिएशन सभी ने सपोर्ट किया है, तो इसके आप देख सकते होंगे कि मेरे पीछे सारे दुकानें बंद है, आज के दिन पूरा बंद रहेंगे और यहाँ से रैली करते हुए ये पोलो ग्राउंड तक जाएंगे, वहाँ फिर अपने जो लीडरन है अपना अपना विचार, जो पब्लिक रैली होगा वहाँ पर अपने विचार रखेंगे ये जो कन्वर्जन को लेके। जी विशाल जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि लद्दाख में लद्दाख प्रोसेशन का तो पहले क्या नहीं बोलते हो, पहले क्यों नहीं बोलते हो? तो आज विरोध में एक रैली निकाली जा रही है लद्दाख से, बड़ी खबर आप देख रहे हैं, और खबर में ये बताया जा रहा है कि दरअसल वहां पर कोई एग्रीमेंट था पहले से, जैसा अभी मोरू कुमार जमादार ने बताया संवाददाता ने कि उस एग्रीमेंट के तहत कम्युनिटी के बीच में आपस में कुछ तय मुदालबात थे और उसी के तहत जो है, लेकिन अब ये जो खबर आई है कि एक कम्युनिटी से बिलोंग करता एक लड़का है, दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करती एक लड़की है और वो दोनों जो है चले गए हैं, जैसे कि रिपोर्ट अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक, और इसको लेकर जो है कम्युनिटीज में आपस में एक अनरेस्ट है और वो चाहते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो, इसको लेकर लोग इस बात को याद रखें और इस चीज़ को समझें। अब आप देखिए उसका असर जो इस तरह से है कि आज बाबा बंद भी बुलाई गई है और एक जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है उसने बंद बुलाई है और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के दफ्तर के बाहर ही इस वक्त हमारे रिपोर्टर मौजूद थे जिन्होंने ये जानकारी हमें दी है। उनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कि एक जो आपस में जो हार्मनी है वो भी बनी रहे और खुद जो कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो भी यूथ है वो इस बात को समझे कि उनकी आपस की जिम्मेदारी क्या है और कैसे वो सिर्फ न सिर्फ अपने लिए अपनी खुशी के लिए वो सोचें या फैसले लें, बल्कि उन्हें यह भी ध्यान में रखना चाहिए
कि इसका असर कम्युनिटी पर क्या पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिटी से जुड़ा होना जो है उनकी एक पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तमाम बातें इस वक्त सामने आ रही हैं और कोशिश यही है कि बावर कराया जाए लोगों को, खुद को भी कम्युनिटी वाइज, और ये दूसरों को बताया जाए कि हम क्या करें कि पीस और हार्मनी बनी रहे, और क्या ना करें जिससे ये डिस्टर्बेंस होने का खदशा हो। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक और अहम खबर यह है कि मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे में बदलाव किया गया। ये खबर हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे में बदलाव किया गया है। अब वो आज पहले जयसिंहपुर जाएंगे, वो सुबह 11 बजे नादौन से जयसिंहपुर पहुंचेंगे, वहां से दोपहर बाद पालमपुर जाएंगे। वो नेत्रों में आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, साथ ही देहरू, कोसरी, सियारा खड, आलमपुर, पपरोला ब्रिज का दौरा करेंगे। वो भेरी, बचवाई, परमार नगर भी जाएंगे। उनका रात को पालमपुर में ही रुकने का कार्यक्रम है। वो कल शिमला लौटेंगे। आगे बढ़ते, धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स की गतिविधियां बढ़ गई हैं। न सिर्फ श्रीनगर बल्कि अन्य जिलों में भी हजारों कश्मीरी खेल प्रेमी नाइट खेलों का आनंद ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ सालों से कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एक इजाफा देखने को मिल रहा है। न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जो आसपास डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी नाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इजाफा देखने को मिल रहा है। वो दिन गए जब कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स की सरगर्मियां नहीं होती थीं, लेकिन अब अमन और मामूल की वापसी के साथ पिछले कुछ सालों में रात के खेलों की सरगर्मियों में तेजी आई है, जो एक बड़ी और अच्छी अलामत समझी जा रही है। हुकूमत की कोशिशों से नौजवानों को बाकी दुनिया के साथ आला सतह पर मुकाबला करने का मौका फराहम करने के लिए खेलों का बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है। खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने और इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन तआवुन को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खेलों की तारीख में एक अहम पेशरफ्त समझी जाने वाली फ्लड लाइट्स के नीचे शाम देर गए मैच के दौरान हर गोशे से आने वाले हजारों शायकीन ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के खेलों की सरगर्मियां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी और लोग लुत्फानंदोज होते रहेंगे। It has added a new dimension to the city also, an evening activity जिससे हम बहुत सालों से महरूम रहे, और मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि we have been successful in providing a platform to the youth। हमारा जो youth है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का बहुत talented है, जहाँ पे भी उन्हें opportunity मिले, जहाँ पे भी उन्हें
प्लेटफॉर्म मिले, दे एक्सेल इन एवरी फील्ड, नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज इन स्पोर्ट्स सरमद हफीज ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों से कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा हुआ है और हम खुश और पुरजोश हैं कि हमारे नौजवान खेल के मैदानों में मुख्तलिफ खेल और स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। खेल हमारी समाजी और नफ्सियाती नशोनुमा में मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करते हैं और हमारे नौजवानों में मुस्बत सोच पैदा करते हैं। नाइट मैचेस की आप देख सकते हैं माहौल काफ़ी खूबसूरत है ग्राउंड का। देर आर अ कपल ऑफ फैमिलीज जो आए हैं, देर आर अ लॉट ऑफ फीमेल्स हु आर वॉचिंग द फुटबॉल मैच राइट नाउ। कुडोज टू द होल स्पोर्ट्स काउंसिल हु हैव इनिशिएटेड सच वंडरफुल लाइट सेटअप हेयर इन द TRC एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेशन टू DFA श्रीनगर फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल लीग। फ्लड लाइट लगी तो मज़ा बहुत लगता है देखने में। फुटबॉल मैच 6 बजे तक मैं खेलती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है शाम को देखने में। शाम को आते यहाँ पे फुटबॉल एंजॉय करने के लिए, दिन भर थकान रहती है, हम काम करते हैं दिन भर, तो शाम को यहाँ आते हैं थोड़ा एंजॉय करते हैं। नाइट मैच हो रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम देखें दिन में काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, काफ़ी बिजी वर्क होता है, तो ये जो नाइट मैच हो रहे हैं यहाँ पे तो ये एक अच्छा है। नाइट मैच जिससे पहले कभी हुआ ही नहीं, एक दो जैसे कोई होता था, लेकिन जो लीग हुआ ये नाइट मैच के लिए हुआ, मतलब नाइट मैच ज़्यादातर हो रहे हैं तो अच्छा हुआ। बहुत ही एंजॉय करते हैं इसको, हम चाहते हैं कि इसका और भी ज़्यादा ये बढ़ जाए और लोग आए पार्टिसिपेट करें, और स्पेशली फैमिलीज को शाम के टाइम टाइम मिलता है वो आए यहाँ देखे एंजॉय करे और अपना टाइम स्पेंड करे। सरमद हफीज ने कहा कि न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि हमने दूसरे अजला में भी इस तरह के खेलों का बुनियादी ढांचा तैयार किया है जिसमें बांडीपुरा, अनंतनाग और पुलवामा वगैरह शामिल हैं, ताकि नौजवानों को एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा सके और वो खेलों में आला सतह पर मुकाबला कर सकें। हमारा मकसद जम्मू कश्मीर में लाखों नौजवानों को खेलों की तरफ रागब करना है। वहीं शायकीन का कहना है कि पहले खेलों की सरगर्मियां वादी में गुरूब आफ्ताब के वक्त बंद हो जाती थीं, अब रात के खेलों से हमारे नौजवानों को बड़े टूर्नामेंट्स के लिए खुद को तैयार करने के लिए खासा वक्त मिल रहा है। याद रहे कि 2019 से पहले कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स की सरगर्मियां तकरीबन नहीं के बराबर थीं, लेकिन अब कश्मीर में शाम के औकात में कई फुटबॉल लीग्स, हॉकी और क्रिकेट टूर्नामेंट्स फ्लड लाइट्स के नीचे खेले जाते हैं, जो शहर भर से हजारों बुजुर्गों और नौजवानों को स्टेडियम की तरफ रागिब करते हैं। शायकीन 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर दूर रात का मैच देखने आते हैं और उनसे इस तरह लुत्फ अंदोज होते हैं जैसे वो दिल्ली या मुंबई में हों। हुकूमत खेलों और खेलों से मुतालिक सरगर्मियों में नौजवानों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है ताकि वो कौमी और बैन अक्वामी सतह पर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर सकें। अब दूसरे राज्यों की तरह यहाँ पे भी कश्मीर के जो युवा है उनको अवसर मिलेगा, वो शाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे देर रात तक प्रैक्टिस होती है, 11 बजे तक मैचेस होते हैं, और जो यहाँ पे फैमिलीज है वो भी यहाँ पे आते हैं, जिससे जो ये स्पोर्ट्स लवर्स है, जो यहाँ के युवा है उनका हौसला बढ़ जाता है, वो काफ़ी खुश होते हैं। और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी इन स्टार्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जिस तरह दूसरे राज्यों में देर तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं तो अब यहाँ पे भी नाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है, जो अच्छा साइन है और जिसे युवा लेके बहुत खुश है, और आने वाले दिनों में वो दुआ कर रहे हैं कि इसी तरह का माहौल रहे और इसी तरह सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले और ये खिलाड़ी जो है वो अपने नाम के साथ साथ कश्मीर और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। जहांगीर अजीज के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई, याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष, केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष, उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवर ग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद, जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पर कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान, ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन, ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट, खेलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड, पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य।
पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्यक्रम निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जो कि आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। आपको बता दें कि कई डेडलाइन चूकने के बाद जम्मू में हड्डी और जोड़ों के अस्पताल की अत्याधुनिक इमारत अब काम कर रही है। शुरुआत में अस्पताल में केवल ओपीडी सेवा ही शुरू की गई है, लेकिन अस्पताल अधिकारियों ने कहा कि इस महीने के अंत तक सभी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। जम्मू में हड्डियों और ज्वाइंट अस्पताल का ये तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है, जिससे उम्मीद की जाती है कि अस्पताल न सिर्फ जम्मू बल्कि जम्मू कश्मीर खित्ते के मुख्तलिफ दीगर अजला के मरीजों की जरूरतों को भी पूरा करेगा। क्योंकि हड्डियों और जोड़ों के इलाज के लिए इस खसूसी अस्पताल में हाईटेक मशीनरी और आलात होंगे जो मरीजों को खसूसी इलाज करवाने में मदद फराहम करेंगे और वो भी इंतहाई कम कीमत पर। पहले तो सिर्फ ओपीडी की सर्विस शुरू की गई है, लेकिन अस्पताल हुक्काम का कहना है कि इस माह के आखिर में अस्पताल में दो ऑपरेशन थिएटर्स के साथ साथ दीगर तमाम सर्विसेज भी शुरू कर दी जाएंगी। हमारा अच्छे एक्सरे सिस्टम और सीटी स्कैन लगेगा विद इन आई थिंक वीक्स वील स्टार्ट ओपीडी, फिर इंडोर भी स्टार्ट करेंगे और आसपास ट्रॉमा के केसेस लेंगे। पहले तो फेस्ट मैटर में कर रहे हैं, पहले मैंने कहा कि आप कहो कि सारा कुछ बाहर उस पर डाल दूं और बाद में हम क्योस क्रिएट करें, वो वी डोंट वांट दैट। हम उसको देखेंगे, कोई मुश्किल आएगी तो उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते जाएंगे। 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल हाईटेक बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल में लोगों का इलाज शुरू हो चुका है। अस्पताल आने वाले मरीज भी हुकूमत की तरफ से जम्मू में इस किस्म के अस्पताल की तामीर पर खुश नजर आ रहे हैं। जी हॉस्पिटल जब से बना है थोड़ा फायदा लोगों को हो रहा है, मुझे भी मेरी जो दोनों जो जाम हो गए थे जब से मैं इधर आया हूँ मुझे थोड़ा फर्क, कोई 25% फर्क मुझे लगा है। तो अभी गवर्नमेंट क्या है और भी मशीनरी यहाँ पे आएगी वो अच्छा होगा, तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? हम गवर्नमेंट को थैंक्स ही कहेंगे कि जो आप मशीनें इधर भेज रही हैं और गरीबों का इलाज हो रहा है। 15 दिन 20 दिन हो गए ठीक ही है, मेरा ये पूरा हो गया था, ये आज यहाँ पहुँचती है, पहले यहाँ पहुँचती भी नहीं है, नोटा नहीं पहुँचता था यहाँ, जब से आ रहा हूँ तो ठीक ही है, ये मेरा पूरा होता था, हाथ आ गया था मशीन में। जम्मू में बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना है और इसमें जो ओपीडी है उसकी शुरुआत हो गई है, जिससे अभी से यहाँ पेशेंट के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जल्द ही जो हाईटेक मशीनरी है वो भी यहाँ पे आ जाएगी और ये अस्पताल के फुली फंक्शनल हो जाने के बाद लोगों को ना ही अमृतसर और ना ही किसी बाहरी राज्य में इलाज के लिए जाना पड़ेगा। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद्य, न्यूज़ 18 जम्मू। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का इंटरव्यू, G20 समेत कई मुद्दों पर रखी बात। G20 में जिनपिंग और पुतिन के ना आने पर कहा कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने किसी वजह से ना आने का किया है फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कई और बातें इस तालु से कही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का इंटरव्यू जो है उसमें G20 समेत कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। G20 में जिनपिंग यानी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के ना आने पर कहा कि कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने किसी वजह से ना आने का फैसला किया है। दरअसल G20 के उद्देश्यों के बारे में उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ जो सवाल ये किए गए कि चीन या रशिया इन दो देशों के जो बड़े लीडर हैं जो सरबराह हैं वो नहीं आ पाएंगे शायद, इस बारे में क्या जानकारी, पर उन्होंने कहा कि दरअसल कुछ देशों के ऐसे लोग हैं, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने किसी वजह से ना आने का फैसला किया है।
reading right now of the G20 is that there are a whole lot of issues. Some are longer term structural, meaning that they have been discussed before, including at earlier G20s. Some are more emergent. They are issues of the last year, maybe the last 2-3 years, which have again come to head, whose stress impact on countries is very high. So you're going to get really a mix of issues that the world is looking at. And a lot of this, the burden is on the Global South, on developing countries. One very important message for us is focus on the Global South. But there is a larger context. The context is of a very turbulent global environment. You know, the impact of the COVID, impact of the Ukraine conflict, issues like debt, which have carried on for some time. And by the way, in, you know, climate disruptions, which are today affecting the economy as well. I'll come to Global South because you spoke about that post-BRICS also. Sure. I'll come on that. But first, I'd like to ask about whether, you know, the fact that President Putin and President Xi are not going to be present at the New Delhi meet, has that cast a shadow on the summit? Not really. I mean, look, I think at different points of time in G20, you know, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But, you know, that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. So you had, you know, some occasions where you had you know, a president or two, sometimes three, who have not themselves come. But I do think, you know, my sense from talking to the ministers.